नमस्कार दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा असफल हो जाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर नहीं तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग ध्यान से बैठ जाइए जहाँ भी खड़े हैं और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाले हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने लाइफ का फर्स्ट मोटिवेशन ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मालिक था, उसका एक बहुत नया जहाज था। अब उस जहाज में एक ऐसी खराबी आ गई कि वो जहाज बिल्कुल ना चल सका। तो अब जहाज वाले मालिक ने बोला कि जाओ मैनेजर, इस जहाज को ठीक कराओ, इंजीनियर को बुला लाओ, इस जहाज को ठीक कराओ। तो वो मैनेजर गया, मालिक ने कहा, तो मैनेजर गया, वो जहाज ठीक कराने वाले एक इंजीनियर को बुला लाया। दोस्तों, इंजीनियर आया, उसने पूरे जहाज को अच्छे तरीके से देखा और उसको उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जहाज ठीक हो सके। तो अब इंजीनियर बोलकर चला गया। अब मालिक को उसने बताया कि इंजीनियर को बुलाया था, जहाज ठीक नहीं हुआ। फिर मालिक ने कहा और दूसरे इंजीनियर को बुला के लाओ, जिससे कि ये जहाज ठीक हो सके। तो मालिक गया और मैनेजर से बोला कि इस जहाज को ठीक कराने के लिए दूसरे इंजीनियर को ले आओ। तो वो गया, दो चार इंजीनियर को और ले आया, जहाज दिखाया। तो उस इंजीनियर लोगों ने सभी पूरे जहाज को देखा, उस जहाज में उसको उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आया और वो फिर वापस चले गए। अब मालिक ने फिर से कहा कि जाओ और बड़े इंजीनियर को बुला के लाओ, जो इस जहाज को ठीक कर सके। अब तरह तरह के लोग आने लगे उस जहाज को देखने के लिए। मालिक बहुत पैसा लगा रहा, बोले नया जहाज है, मुझे जहाज ठीक कराना, बहुत पैसा उसका स्पेंड हो चुका। वो गया, फिर मैनेजर गया, मालिक ने कहा मैनेजर को, आप और दूसरे इंजीनियर को बुला लाओ, जो सबसे अच्छा इंजीनियर हो इस देश में, जो सबसे अच्छा इंजीनियर हो उस इंजीनियर को बुला के लाओ और मेरा जहाज ठीक कराओ। तो वो गया मैनेजर, सबसे अच्छे इंजीनियर को वो ले आया जहाज ठीक करने के लिए। फिर वही उसने आके बात बोली, मालिक मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं इस जहाज को ठीक नहीं कर पाऊंगा। फिर मालिक ने कहा जाओ देश विदेश से लोगों को बुलाओ, लेकिन मेरा जहाज ठीक होना चाहिए। तो फिर उस मैनेजर ने जाके देश विदेश वाले इंजीनियर को बुलाया कि आओ हमारे इस जहाज को ठीक कर दो। तो वहाँ देश विदेश से लोग आए, बहुत पैसा लगाया मालिक ने कि कहीं से मेरा जहाज तो ठीक हो जाए, नया जहाज कैसे खराब हो गया, मेरा जहाज ठीक होना चाहिए आज। तो गया, ऐसे साल बीते गया, एक साल बीत गया, ये करते करते डेढ़ साल हो गया, देश विदेश के लोग आए। फिर एक और इंजीनियर आया विदेश से, तो उसने भी 6 महीने लगभग लगा दिए उस जहाज को देखते देखते, लेकिन उसे एक भी क्लू नहीं मिला। तो दोस्तों, अब मैनेजर फिर गया उसके पास में, मालिक के पास में जहाज के, मालिक से कहा उसने कि साहेब आपका जहाज अभी भी ठीक नहीं हुआ, सभी इंजीनियर देखकर चले गए, इतना पैसा लग चुका है। तो मैनेजर ने उनको एक सलाह बताई, मैनेजर ने कहा मालिक मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ जो यहाँ पे गांव में पनडुब्बियाँ सुधारता है, पूरे शहर में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस मालिक ने कहा वो पनडुब्बी वाला क्या करेगा जब इतने देश विदेश से लोग बुला चुके, इतना पैसा खर्च कर चुके। तो मैनेजर भी बोला, हंसते हुए मैनेजर भी बोला, मालिक इतना सारा तो पैसा कर ही चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लो, उस पनडुब्बी वाले को बुला के अपना जहाज चेक कराते हैं, क्या शायद वो चेक कर सके। तो मालिक ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी भी बात मानते हैं, जाओ पनडुब्बी वाले को बुला के लेके आ जाओ। तो वो गया, उस पनडुब्बी वाले को बुला के ले आया और उस जहाज को दिखाने लगा। तो पनडुब्बी वाले ने उस जहाज को लगातार 2-3 घंटे देखता रहा, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, देखता रहा। अब वो एक जगह खड़ा हो गया, अब सभी लोग उसको देखने लगे, वो क्या देख रहा है उस जहाज में, उस जगह खड़े होके वो क्या चीज देख रहा है। देखते देखते वो अपने थैले से एक हथौड़ी लेके आया और उसने उस जगह पे तीन हथौड़ी मारी। फिर जाके उसने बोला मालिक से कि अपना जहाज चेक करके देखो।
तो उन मालिक ने अपना जहाज चेक करके देखा तो उसका जहाज चालू हो गया। दोस्तों क्या आपको लग रहा था कि वो चालू कर पाएगा नहीं, लेकिन उसने जहाज चालू कर दिया। दोस्तों मालिक ने अब वो तो जहाज ठीक करके चला गया, अब मालिक ने उसकी फीस पूछी क्योंकि देश विदेश के इंजीनियर लोगों को तो बहुत करोड़ों रुपए दिए, सब कुछ दिया, लाखों रुपए दिए, लेकिन मालिक ने उसकी फीस पूछी। अब वो गया, मैनेजर गया उसके फीस पूछने के लिए, बोले कि जो तुमने वो सुधारे हो जहाज तो उसकी फीस बता दो मैं आपको। तो उसने क्या किया, एक बिल में ना फीस लिख के दे दिया, मतलब 20 रुपए तो हथौड़ी मारने के है ना, 20 रुपए हथौड़ी मारने के दिए उसको, और 99,000 रुपए उसने, सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों 99,000 रुपीज जो उसने दिए थे, मतलब जो बिल में लिखा था, तो वो उसको सही जगह मारने के दिए, मतलब सही जगह हथौड़ी मारने के वो उसने चार्ज लिया। वो मैनेजर के पास बिल लेके गया, मैनेजर को बताया कि पहले तो ऐसे ही बिल ले गया था, मतलब 1,00,000 रुपए का वो बिल ले गया, मतलब अपने मालिक के पास। तो मालिक ने कहा कि ये बिल इतना सारा कैसे हुआ, तो फिर वो तो बिल लेकर आ गया तो मैनेजर को बता ही दिया था। तो मैनेजर ने मालिक को समझाया कि मालिक ये 20 रुपए हथौड़ी, 3 हथौड़ी मारने के, और ये 90,000 रुपीज किस जगह पे हथौड़ी मारना है उस चीज के पैसे। तो उसका मालिक बहुत खुश हुआ, इतना ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुशी, उसको खुशी के मारे रहा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो उस मालिक ने कहा इस पनडुब्बी वाले को आज से हम अपनी कंपनी में रखते हैं। दोस्तों आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जीके फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको कहानी में समझ में आया होगा, पढ़े लोग ज़्यादा असफल होते हैं या बिना पढ़े लोग ज़्यादा सफल होते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।